इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 25। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 25। अमस्याह का राज्य। जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके लड़के बालों को न मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया वही वह उस पाप के कारण मार डाला जाए। और अमस्याह ने यहूदा को बरन सारे यहूदियों को और बिन्यामिनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घराने के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया और उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी उनकी गिनती करके 300,000 भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 100,000 इसराइली शूरवीरों को भी 100 किक्कार चांदी देकर बुलवा रखा, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इसराइल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इसराइल अर्थात एप्रेम की कुल संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इसराइली दल को दे चुका हूं उसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रेम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाए। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए, परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और लोन की तराई में जाकर 10,000 सेइरियों को मार डाला और यहूदियों ने 10,000 को बंधुआ करके चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया, सो वे सब चूर चूर हो गए। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को न जाए, शोमरोन में बेथोरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली। जब अमस्याह एदोनियों का संहार करके लौट आया तब उसने सेइरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप चलाने लगा। तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके उनकी खोज में तू क्यों लगा है? वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इसराइल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यो कहला भेजा कि आ, हम एक दूसरे का सामना करें। इसराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यो कहला भेजा कि लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में
लबानोन का कोई वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और बढ़ाई मारता है। अपने घर में जाकर रह, तू अपनी हानि के लिए यहां क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या वरण यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने न माना, यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उनके शत्रु के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। तब इसराइल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया और यहूदा इसराइल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इसराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रिमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था उस सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को लौट गया। यहोआहाज के पुत्र इज़राइल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। आदि से अंत तक अमस्याह के और काम क्या यहूदा और इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकिश को भाग गया। सो दूतों ने लाकिश तक उसका पीछा करके उसको वही मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई।